नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा जिले के कोल्ड स्टोरेज में जो कि कुबेरपुर के पास में है। और यहां से आलू का निर्यात हो रहा है और जैसा कि हम आपको आलू के बारे में पल पल निर्यात के बारे में बताते रहते हैं कि आलू का निर्यात हो रहा है, लेकिन आप लोग उसे फौरी तौर पर मजाक में ले जाते हैं। लेकिन स्थिति यह है, बिल्कुल सेम कंडीशन है कि आलू जो है निर्यात हो रहा है। और जो आलू आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो आलू है वो पीले पैकेट्स में और इसकी जो क्वान्टिटी है 35-35 किलो के इसमें ये भरे गए हैं। और जो आलू है बिल्कुल देखिए क्वालिटी भी काफ़ी सही है और इसी अनुसार मांगा जा रहा है। और जब हम वीडियो डालते हैं तो आप लोगों के कमेंट ज़्यादा आते हैं, अरे यार ये तुम ये निर्यात के बारे में बताओ, निर्यात नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि यहाँ से आगरा से निर्यात हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो केवल उन किसानों के लिए जो पूछना चाहते हैं कि निर्यात हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए निर्यात के साथ आपके कैमरे में थोड़ा आ गई है और ये निर्यात के आप देख लीजिए, अलग अलग के थोक लगा रखे हैं, कोई 30 किलो का है, कोई 35 किलो का है, कोई 40 किलो का है। यानी कि जिस तरीके से बाहरी देशों में जो आलू की मांग आती है वो उसी के अनुसार दिया जाता है, कहीं कैसी भी डिमांड होती है, कहीं कैसी भी होती है, लेकिन टाइट आलू ही जाता है विदेशों को। मेरे साथ में चाचा मौजूद है, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। चाचा क्या स्थिति क्या है कि किसान जो है अपने आलू को विदेश भेजने के लिए बहुत जोर से उत्सव है और जितना आलू विदेश जाएगा तो उसे अपना पैसा अच्छा मिलेगा और उसका जो है प्रॉपर्टी सही होगी, दाम मिलेगा। और इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अपना आलू का रेट सही रखें और मंडी भेजें, विदेश जाओ या कहीं बाहर भेजो, श्रीलंका भेजो, कहीं भी भेजो, पर अच्छे रेट से बेचो। ऐसे नहीं कि जो व्यापारी लोग वर्ग लोग हैं वो किसानों से कम दामों में ले जाता है, वहाँ जाके अच्छा पैसा अपन व्यापारी लोग अपना पैसा अच्छा कमाता है और किसानों को जो है कम पैसा ले जाता है यहाँ पे। तो मैं सभी किसानों से ये निवेदन करता हूँ कि अपना जो है आलू अपना उचित रेट से अच्छा 800 से 900 से कम नहीं दें। अच्छा इस समय पे देखिए आपके सामने है और आप ही लोग ये कहते थे कि भैया निर्यात के बारे में कभी कोई किसी कोल्ड स्टोरेज मालिक ने, मैनेजर ने, व्यापारी ने कुछ बताया नहीं? बताया, वो कभी किसानों को सही बात नहीं बताते हैं। वो यही कहते हैं कि अरे तुम्हारा आलू तो सड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वहाँ जयपुर जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, लेकिन विदेश नहीं। कभी किसानों से सही बात वो आज तक बताते ही नहीं। विदेशों की बात लगातार हम बता रहे हैं, कई किसान को झूठ लगता है, लेकिन अब तो आपके सामने है। जी सामने है, मैं आपसे ये दूरदर्शन वालों से ये निवेदन करता हूँ, ऐसे ही हमारे किसान लोगों के भाइयों के लिए सब जो है अच्छे दें तो आपको धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी किसानों से कहता हूँ कि आपका आलू जो है विदेश जा रहा है, 800-900 से अपना आलू के भाव रखें। ये सऊदी अरब के लिए पैकिंग है 35-40 की और किसानों से मुझे लग रहा है कि खून चूसा होगा, मुझे लग रहा है, बाकी इनका क्या मैटर है ये जाने, क्योंकि ज़्यादातर कोल्डों में कमीशन एजेंट होते हैं, व्यापारी नहीं होते, क्योंकि जो निर्यातक होते हैं वो ओवरसीजर होते हैं, वो उनकी जो ऊपर क्या कर रहे हैं वो किसी को जानकारी नहीं है, तो इस नीचे वालों को तो कोई जानकारी होगी नहीं, ऐसे ही वो किसानों को बरगलाते रहते हैं और ऊपर आलू चला जाता है। स्थिति यह है कि इस समय पर आलू के जो मंडी में रेट्स हैं 750-800 तक के रेट लौट के आ रहे हैं और मई के महीने में अभी 10 साल का अगर आँख उठा के देखें तो 10 साल में मई के महीने में 750-800 का दाम कोल्ड स्टोर पर नहीं हुआ था। अगर निर्यात नहीं हो रहा है, अगर निर्यात बंद हो जाए तो फिर ये रेट नीचे आ जाएंगे, क्या आप मानते हैं? मैं यही मानता हूं कि विदेश जो है आलू जा रहा है, सऊदी अरब जा रहा है, पाकिस्तान भी खुल गया है, नेपाल भी खुल गया है और श्रीलंका तो जा ही रहा है और हमारे यहाँ तो खूब जा रहा है। और यदि ये आप कह रहे हैं जो बोल रहे हैं, यदि ये विदेश नहीं जाता तो इतना भाव नहीं चढ़ता। पिछली साल 651 आलू बिका था, फिर नीचे डाउन होता ही गया और 500 आ गया इसी टाइम। तो मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि अपना आलू का रेट 800-900 रखें, यानी अब की स्थिति में। कुल मिला के आप ये मानते हैं कि ये विदेश निर्यात होने की वजह से इस समय पे आलू के 700-800 रुपया मिले? हाँ जी, विदेश जा रहा है, जब ये हमारा आलू जहाँ जो है ये 750-800 खरीद रहे हैं अब। और मैं किसान भाइयों से कह रहा हूँ कि आप अपने आलू के रेट 900 और इस महीने के बाद 1000 रखें। यानी कुल मिला के बात वही है कि बाहर जा रहा है, विदेशों को जा रहा है, तभी इसके दाम इस समय पे इतना है। हाँ, और अगर निर्यात नहीं जाता तो निर्यात नहीं जाता तो ये आलू नीचे डाउन हो जाता है। ये विदेश जा रहा है आलू अब की बार और वहाँ भी जा रहा है, यहाँ युद्ध चला यूक्रेन में, कई जगह जा रहा है।
मतलब ऐसी सोच है, मनोवैज्ञानिक ऐसी स्थिति है कि ये विदेश जा रहा है, व्यापारी लोग नहीं बता रहे हैं और जो है कोल्ड स्टोर वाले नहीं बता रहे हैं। यानी कुल मिला के ये सच्चाई जानकारी जो हमारे द्वारा परस्पर दी जा रही है वो बिल्कुल सही है और आप मान रहे हैं? जी बिल्कुल सही है, मैं दूरदर्शन वालों से ये सोनू भाई हैं ये बिल्कुल सही, बिल्कुल न्यूज सही दे रहे हैं। सादाबाद की स्थिति भी यही है और खंदौली की भी स्थिति यही है, आगरा की यही है, अगलास की भी यही है, हमारे यहाँ जो मंडी हैं चार इनकी स्थिति यही है, ये सही दे रहे हैं सोनू भाई जो है दूरदर्शन वाले, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। आलू विदेश जा रहा है तो आलू किसानों का भी थोड़ा वो करना है। हाँ आलू विदेश जा रहा है तो कोल्ड मालिक वाले और व्यापारी लोगों इनको अच्छा जो है रेट आलू का किसान भाइयों को देना चाहिए। मानते हैं आप? जी किसान भाइयों ये आपके सामने थे और इन्होंने पूरा बताया, और ये जो आलू है विदेशों को जा रहा है तभी ऐसी स्थिति बन रही है, 150-200 गाड़ियाँ बेंगलोर मदुरई और मेट्टेपालम की मंडी में पहुँच रही हैं और फिर भी पूरा आलू ख़त्म हो जाता है, लेकिन पिछले साल इस समय ऐसा था कि मंडियों में बैलेंस बच जाता था और आलू का दाम नहीं मिलता था। इस मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ आलू का विदेश निर्यात हो रहा है, इसी वजह से इस समय पर आलू का वो बना हुआ है, जो रेट बने हुए हैं अच्छे, और जो कोल्ड बता रहे हैं कि मांग बनी हुई है मंडी में, तो मांग का कारण निर्यात ही है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, मैं यही कहता हूँ कि मांग का मतलब निर्यात ही है, विदेश आलू जा रहा है, इसलिए किसान भाइयों अपने आलूओं के दाम अच्छे रेट रखो और अच्छा अपने आलूओं को बेचिए। तो किसान साथियों आपने बात सुनी निर्यात के बारे में, परस्पर मैं जानकारी देता रहता हूँ, कोई भी यूट्यूबर को जानकारी नहीं होती, कई यूट्यूबर जो हैं कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं तो कई जो हैं कमीशन एजेंट हैं जो आलू की खरीद फरोख्त करते हैं, वो आपको सच्चाई नहीं बताएंगे, ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सिर्फ पत्रकार ही बता सकता है, और सोनू चौधरी आपके साथ परस्पर खड़ा हुआ है। आलू का विदेश निर्यात है, इसी वजह से मंडियों में 200 गाड़ी चली जाएँ वो भी ख़त्म हो जाती हैं, 300 चली जाएँ वो भी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये जो डिमांड है वो निर्यात की वजह से, ये भी समझ लीजिए। आलू का इस समय पर जो अच्छा रेट चल रहा है उसमें भी मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो निकालिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन निर्यात वाली बात जो है 100% सही है। तो किसान साथियों आगरा के कुबेरपुर से मेरे साथ कोल्ड स्टोरेज से इतना ही, रेगुलर के आगरा के भाव जानने के लिए आलू मंडी से या कोल्ड स्टोरेज से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी किसानों तक शेयर करना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।